बेड़ा पार हो गया, जिन्ने न्यू लाया ओदा बेड़ा पार हो गया, पर कट के मैं अपनी उड़ान भुल गई। माया तेरे पीछे दीन ते ईमान भुल गई। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट मलका पीरजादा आपके पसंदीदा चैनल अंजाम टीवी के साथ। नाजरीन, मैं कहती हूं कि आपकी मुलाकात किसी अच्छी अच्छी शख्सियात से कराऊं। आज हमारे दरमियान दो मुनफरिद शख्सियात मौजूद हैं। हमारे दरमियान जो शख्सियत मौजूद हैं वो आसिफ महमूद नकीबी और प्यार अली नकीबी मौजूद हैं, और उनको क्या लकब मिला वो उनसे पूछते हैं। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम सलाम। आसिफ साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है और दुआ है आपकी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं प्यार अली आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आसिफ साहब, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप एक्टर थे, फिर ये सुफियाना जिंदगी में कैसे चले गए? और कौन सा ऐसा वाकया रोनुमा हुआ जिसने आपकी जिंदगी तब्दील कर दी? देखिए, जिंदगी तो मुर्शिद की पहली निगाह से ही तब्दील हो गई। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया, अंजाम टीवी का शुक्रिया अदा करूँ जिसके तवसत से मैं अपने पीर मुर्शिद की बात आपसे कर रहा हूँ। जी जी। तो सूफी नकीबुल्लाह शाह सूफी फकीर है नकीबाबाद में, तो बस जब से उन्हें देखा पहली नज़र में तो उसी टाइम जिंदगी तब्दील हो गई। 43 साल हो गए बैत हुए। माशाल्लाह। तो वो पहले सुना था आप फौज में थे? जी बस वो बाबा जी की सुन्नत अदा करने गए, बस इतने ही कि मुर्शिद फौज में थे आर्मी में, बस उनकी सुन्नत अदा हुई, वरना हम कहाँ फौज का। तो फिर फौज से आप निकल गए? हाँ, बस बाबा जी का ऐसा उधर जलवा देखा कि मैं ड्यूटी पे था, तो ड्यूटी से मैं महफिल में, और महफिल में जब ड्यूटी से वापस पहुँचा तो उधर मेरी हाजिरी लगी। उस टाइम मैं परेशान हुआ कि मैं तो इधर था ही। अच्छा, तो फिर ये हाजिरी कैसे लगी? हाँ जी, फिर वो जहन में आया कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कहीं और होना चाहिए। उनका दस्तार है 5 रंग की है। तो ये जो आपको एक लकब मिला था वो क्या मुश्किल लकब है? वो बुलशा का लकब थिया थिया करने से हुआ। वो जैसे वो बुलंद शाह ने एक सुनत अदा किया, तो सरोज का शाह सरोज क्या नाम होता है, सरोज खान, उनके वो शगीर्द हैं, उनसे धागा भी बनवाया। बस एक वो बुलंद शाह की सुनत अदा की, बस इतने। तो वैसे तो उन्होंने मुझे वो आशीर्वाद दिया या मुझे वो ऐसे दुआ की कि आपको पहले माशाल्लाह बड़ा अच्छा थैया थैया करने की वजह से बुलंद शाह का लगते थे। तो इसकी आपने बाकायदा तरबियत ली? जी, वो देखा उन्होंने और काफ़ी वो सराहा इस बात को। तो एक और थे काशी नाम के बारिश जी के सामने, वो उनकी मैंने थोड़ी देर खिदमत भी की है और वो उन्होंने बताया भी मुझे, सबक भी बताया। बस इतने में कहते बस यहीं से सब कुछ इसी में है। वो तुत्कार के बोल ही है, ता थई थई तत, आ थई थई तत। वो तेज़ होता है, वो स्पीड में जाता है, वही मात्रों में, वही सुरों में। तो आप सिंगर भी? जी, वो बस मालक का कलाम बोला। ये हमारे जजा भाई है, हमारे मोहसिन हैं, उन्होंने कहा कि आपको मैं गिफ्ट करना चाहता हूँ। सर ये कि उन्होंने ऐसा काम किया आगे पीछे में, उसी से मुझे वो सूफी सिंगर का अवार्ड मिला। माया तेरे पीछे दीन के मान पर भी चाहे नकीब लिखे सामने वो आ जाते हैं। आज वो फेमस है, 2 अवार्ड उसे मिले हैं, अभी तक उसका रिकॉर्ड नहीं टूटा है। तो हमारे नाजरीन को भी सुनाएं एक बोल, मैं आपकी मदद करता हूँ नाजरीन। माही माही मैं कूक दी हुई कमली 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 मिले यार नकीब ते तर जावा, मेरा वक्त नकीब बाद हो रे लगे मोहर मुहम्मद दर जावा, लाला दावीद जे मैं पुला मैं जजया हो कहफ़े।
माया तेरे पीछे दीन ते ईमान भुल गई सब अपने बेगाने दी पछाण भुल गई माया तेरे पीछे दीन ते ईमान भुल गई अरा रा 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 ओ पार हो गया जिन्ने न्यू लाया ओदा बेड़ा पार हो गया पर कट के मैं अपनी उड़ान भुल गई माया तेरे पीछे दीन ते ईमान भुल गई।